त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहले चरण के मतदान के बाद अनौपचारिक तौर पर कई पंचायतों, जनपद और जिला पंचायतों के नतीजे भी आ गए हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि पंचायत चुनाव में बीजेपी ने मूकी खाई है। पंचायतों में 70% कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीते हैं। कमलेश्वर पटेल का कहना है कि विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को इसी तरह की हार का सामना करना पड़ेगा। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि शिवराज सरकार कांग्रेस के 15 महीने का हिसाब मांगती है, जबकि सीएम शिवराज को अपने 18 साल का हिसाब देना चाहिए। पंचायत चुनाव में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चुनाव क्यों नहीं कराना चाह रहे थे। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, समर्थित प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता 70% सीटों पे विजयी हुए हैं।